जय माता दी मित्रों, माँ काल का एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। स्टार्ट करते हैं, आज हम ग्रहों से संबंधित दिशा और उनके तत्व। ये जो वीडियो है, ये बेसिक वीडियो है, इसका उपयोग जो होगा आप आगे की जो हम स्टडी करेंगे तब होगा, क्योंकि इस वीडियो मतलब आगे जब हम आपको ये बताएंगे कि कौन सी लगन के व्यक्ति या कौन सी राशि के व्यक्तियों के लिए किस दिशा में जाना उत्तम रहेगा, वहाँ से उनको लाभ होगा, या फिर उस दिशा में जाकर अगर वे व्यापार करते हैं, काम करते हैं तो उससे लाभ होगा, तो ये आगे आपको जो है ये वीडियो जो है लाभप्रद होगी। अभी सिर्फ ये बेसिक है, आप इसको समझ सकते हैं सिर्फ जिस हिसाब से ये है, और इसको आप समझ सकते हैं और आगे की वीडियो में इसका क्लैरिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ ये बताया गया ये राशियों से संबंधित कि कौन सी राशि जो है किस दिशा से संबंधित है तथा वो राशि किस तत्व की राशि है, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे पूर्व, पश्चिम, ये उत्तर और ये आपकी दक्षिण दिशा है, ठीक है। अब पूर्व दिशा में हमने देखा यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर एक है, फिर यहाँ पे दक्षिण में दो नंबर, फिर यहाँ तीन, फिर यहाँ चार, इस प्रकार से जो पूर्व दिशा है उसमें एक नंबर मतलब पहले जो राशि मेष राशि जो होती है वो पूर्व दिशा से संबंधित राशि है, ठीक है। दो नंबर की जो राशि आपकी वृषभ राशि है वो दक्षिण दिशा से संबंधित होती है, तीन नंबर की जो राशि होती है आपकी मिथुन राशि जो होती है वो पश्चिम दिशा से संबंधित होती है, और आपकी जो चार नंबर की राशि कर्क राशि जो होती है वो आपकी उत्तर दिशा से संबंधित होती है। अब पांचवी नंबर की राशि कहाँ जाएगी, फिर से पांचवी नंबर की राशि जो है मतलब सिंह राशि जो है वो आपके पूर्व दिशा से संबंधित होती है, छठे नंबर की राशि आपकी कन्या राशि जो है आपकी दक्षिण दिशा से संबंधित होती है, सातवें नंबर की राशि आपकी तुला राशि जो है वो फिर से पश्चिम दिशा से संबंधित है, और आठवें नंबर की राशि वृश्चिक राशि आपकी उत्तर दिशा से संबंधित है, नौवें नंबर की राशि जो है धनु राशि आपकी पूर्व दिशा से संबंधित है, दसवें नंबर की राशि आपकी मकर राशि जो है आपकी दक्षिण दिशा से संबंधित है, ठीक है। ग्यारहवीं नंबर की राशि जो आपकी कुंभ राशि है वो आपके पश्चिम दिशा से संबंधित है, और बारहवें नंबर की राशि जो आपकी मीन राशि है वो आपकी उत्तर दिशा से संबंधित है। इस प्रकार से आपकी जो राशियां हैं उनसे संबंधित दिशा आपको पता ही लग गई होगी कि पूर्व दिशा से संबंधित राशि 1, 5, 9 मतलब मेष, सिंह, धनु राशि हो गई, दक्षिण दिशा से संबंधित राशि मतलब 2, 6, 10 वृषभ, कन्या और मकर राशि हो गई, और पश्चिम दिशा से संबंधित राशि 3, 7, 11 मतलब आपकी मिथुन, तुला और आपकी कुंभ राशि जो है आपकी पश्चिम दिशा से संबंधित राशि है, और उत्तर दिशा से संबंधित राशि 4, 8, 12 मतलब कर्क, वृश्चिक और आपकी मीन राशि जो है आपके उत्तर दिशा से संबंधित राशियां हैं। अब हम बात करने वाले हैं तत्व की कि ये राशियां किस तत्व की राशियां हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं जो पूर्व दिशा है 1, 5, 9 मेष, सिंह, धनु, ये मतलब जो है आपकी अग्नि तत्व की राशि है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे पांच नंबर मतलब सिंह आ रहा है, और सिंह राशि किसकी आपकी सूर्य की राशि, सूर्यदेव किसके कारक है, अग्नि के कारक है, अग्नि तत्व की, इसलिए ये 1, 5, 9 मेष, सिंह, धनु जो राशि है, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि आपकी अग्नि तत्व की राशि है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं दक्षिण दिशा से संबंधित राशि, ये 2, 6, 10 मतलब वृषभ, कन्या और मकर राशि जो है, वृषभ, कन्या और मकर राशि जो है ये आपके पृथ्वी तत्व की राशि है, और आपकी जो मिथुन तुला और कुंभ राशि, मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि ये वायु तत्व की राशि है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, ये आपकी किसकी है, ये जल तत्व की राशि है। कर्क राशि आप देख सकते हैं, कर्क राशि के स्वामी कौन है, चंद्र हैं, और चंद्र किसके कारक हैं, जल के कारक हैं, तो और मीन मछली, और यहाँ से संबंधित आपका क्या होगा, जल। तो इस तरीके से आपकी जो कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि ये किसकी राशि है, ये जल तत्व की राशि है। इस प्रकार से आपकी जो राशि से संबंधित दिशा और उनके तत्व जो है हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं, और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप भी हमारे माध्यम से निशुल्क कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप हमें अपनी डिटेल्स को व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हैं। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, बर्थ का टाइम, बर्थ का प्लेस और आपका जो भी क्वेश्चन हो आप हमें जो है व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9045963230। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।